अमरावती शहर के पश्चिमी क्षेत्र के अल्फजर हॉल में ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM का कार्यकर्ता और प्रवेश सम्मेलन आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में हजारों की संख्या में युवाओं ने MIM में प्रवेश लिया। इस मौके पर अपने भाषण में प्रदेश महासचिव अब्दुल नाजिम ने कहा कि सभी पार्टियों को मुस्लिम समुदाय के वोट चलते हैं, लेकिन कोई भी पार्टी MIM का समर्थन नहीं लेती। इसलिए अगर इस बार अमरावती विधानसभा क्षेत्र से मुस्लिम विधायक चाहिए तो MIM के बिना ये सपना पूरी तरह अधूरा है। कार्यकर्ताओं से खचाखच भरे हॉल में अब्दुल नाजिम ने कहा कि ये अभी MIM की शुरुआत है, अगले दिनों में हमारी पार्टी चुनावी समीकरण को बदल कर रखने वाली पार्टी है। इस मौके पर अब्दुल नाजिम के साथ ही मंच पर विदर्भ अध्यक्ष शाहिद रंगूनवाला, डॉक्टर सैयद मुजीब नागपुर, दानिश भाई, अमरावती शहर अध्यक्ष सलाउद्दीन खान, मौलवी मुबशिर, मुस्तफ़ा पहलवान अकोला, सम्राट सुरवाड़े अकोला, शाहिद सिद्दीकी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अब अमरावती जिले में या महाराष्ट्र में किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज अमरावती शहर व जिले की सियासत में, बल्कि पूरे महाराष्ट्र की सियासत में अपना एक मुनफरिद मकाम रखती है, उसकी अलग एक पहचान है। साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, मुझे इस बात का फख्र है कि शहर अमरावती और जिला अमरावती के अंदर में जब मजलिस की तारीख लिखी जाएगी तो जो किताब होगी उस किताब का एक पन्ना मेरे नाम से भी मुंसलिक होऊंगा। मुझे याद है वो दिन जब अब्दुल नाजिम साहब की क़यादत में मजलिस यहां पर अपने कदम जमाना शुरू किए थे। कौम और मिल्लत का दर्द और फिक्र और थोड़ा बहुत सियासी शऊर मैं इनसे मुतारिफ नहीं था। पठान चौक पर इनका ऑफिस हुआ करता था, मैं बजा के खुद इनके ऑफिस पर हाजिर हुआ और मैंने अपने आप को पेश किया। पूरी टीम वहां बैठी थी और ये कहा कि मैं मजलिस का सपोर्टर बनकर, मजलिस का एक मामिन बनकर आप लोगों के साथ जुड़ना चाहता हूं। इन्होंने नैन बिछाकर, अपनी नजरें बिछाकर, दिल बिछाकर मेरा मजलिस के अंदर में इस्तकबाल किया और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कॉरपोरेशन के चुनाव से कब मैं मजलिस के साथ जुड़ा और हमने पूरी टीम ने शाने से शाना लगाकर यहां पर इतिहास रचा जिसके शाहिद आप तमाम ही लोग हैं। साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, आज यहां पर पक्ष प्रवेश का कार्यक्रम होने जा रहा है। कई लोग ऐसे हैं जो पहले से मजलिस के साथ मुंसलिक है, अक्सर नौ उनको नई जिम्मेदारियां यहां पर दी जाएंगी। अलावा इसके कई नए चेहरे हैं जो पार्टी के अंदर में काम करने के इच्छुक हैं, वो इस पार्टी से जुड़ेंगे। मैं बड़ी जिम्मेदारी और एतमाद के साथ आप तमाम को ये बात बता देना चाहता हूं कि आपने अपने सियासी करियर के लिए एक बेहतरीन पार्टी चुनी है, एक बेहतरीन मंच चुना है। जब मजलिस यहां पर नई नई आई थी, हम तमाम लोग ना तजुर्बेकार थे, हम तमाम ही लोग फ्रेश थे, सियासी शऊर का फुकदान था। पिछले 5-7 सालों के अंदर में अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी गलतियों से, अपनी कामयाबी से, कुछ नाकामियों से बहुत कुछ सीखा है और आप तमाम लोग का ताऊन और साथ मजलिस के साथ आएगा तो हमारी जो कुवत है वो दोबाला हो जाएंगी और मुझे पूरा एतमाद और यकीन है कि अमरावती शहर व जिले के अंदर में हम
उतनी ही ताकत और उतनी ही कुव्वत के साथ दोबारा यहाँ पर मजलिस के परचम इंशाल्लाह लहराएंगे। बोलिए इंशाल्लाह। साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, पॉलिटिकल पार्टीज तो बहुत है, जमातें तो बहुत है, सियासी जमातें तो बहुत है, लेकिन जो कद्र, जो वकार, जो इज्जत आपको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अंदर में मिलेंगी, दूसरे किसी सियासी पार्टी के अंदर में वो मकाम, वो इज्जत आपको नहीं मिलेंगी। ये मैं दावे से कह सकता हूं। मैं मजलिस का एक अपना सा सिपाही बन के काम करता था। अल्हम्दुलिल्लाह, शहर व जिले के अंदर में शाहिद सिद्दीकी की जो कुछ पहचान बनी, उसके लिए जिम्मेदार है मजलिस का प्लेटफॉर्म, मजलिस का स्टेज, मजलिस का मंच। जब आप एक ऑल इंडिया लेवल की पार्टी से जुड़ते हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़ते हैं, तो आपका जो लेवल है वो शहर की सियासत में भी बढ़ जाता है, दफ्तरों के रिकॉर्ड्स में भी आपका जो है तो मर्तबा बढ़ जाता है, हत्ता के पुलिस महकमे की नजरों में, प्रशासन की नजरों में भी आप एक अली वकार, अली कद्र शख्सियत के अंदर में आपका शुमार होने लगता है। तो जो लोग नए मजलिस के साथ में जुड़ेंगे, आज पथ प्रवेश करेंगे, तो मैं उन्हें एतमाद दिलाना चाहता हूं कि आपने बहुत सही मंच चुना और इंशाल्लाह इसके अंदर में आपका भी मुस्तकबिल रोशन होगा और आप तमाम के ताउन से शहर व जिला अमरावती के अंदर में मजलिस का भी रोशन मुस्तकबिल होगा। साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों,